स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 36 एंड द चैप्टर नंबर 36 इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है बच्चों? जब कोई अपने जीवन के बारे में खुद ही कोई किताब लिखता है या कुछ लिखता है उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। जैसे मैं अगर अपने जीवन पर कोई किताब लिखूं तो वो होगी मेरी ऑटोबायोग्राफी। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऑटोबायोग्राफीज के नेम आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। सो राइट द नेम ऑफ दीज पीपल विद देयर ऑटोबायोग्राफीज। ओके, ऑटोबायोग्राफी के नेम हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें इनके नेम्स बताने हैं। सो गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा। ओके, सो गोल्डन गर्ल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? पीटी उषा की। माई लाइफ एंड द ब्यूटिफुल गेम, सो दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ प्लेयर पेले। ओके, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर हमारे पूर्व राष्ट्रपति और भारत के महान वैज्ञानिक की ऑटोबायोग्राफी है, APJ अब्दुल कलाम। फोर्थ नंबर पे है माय रेमिनी सीन्स, सो ये लिखी हुई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ओके, डॉटर ऑफ द ईस्ट, तो ये है बेनजीर भुट्टो की ऑटोबायोग्राफी। सिक्स नंबर पर वी हैव फ्रीडम फ्रॉम फियर। ओके, सो ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है ऑंग सैन स्यू की ने, तो ये लिखी है ऑंग सैन स्यू की ने। ऑन सेवन नंबर वी हैव सनी डेज, सनी डेज इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुनील गावस्कर। ओके, सो सुनील गावस्कर इज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ इंडिया। नाउ वी हैव माय लाइफ, माय लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बिल क्लिंटन। ओके, सो आपको ये याद करना है कि ये ऑटोबायोग्राफीज किन किन की है और इनके नामों से भी आपको लर्न करना है बच्चों। जैसे आपको पूछा जाए कि राइट द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ पेले, तो आपको ये लर्न करना है कि पेले की ऑटोबायोग्राफी है माय लाइफ एंड द ब्यूटीफुल गेम। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। नाइन नंबर पर वी हैव द ऑटोबायोग्राफी बिजनेस ऑफ स्पीड ऑफ थॉट, सो ये लिखी है बिल गेट्स ने। टेन नंबर पर हमारे पास है दलाई लामा और इनकी ऑटोबायोग्राफी है फ्रीडम इन एक्साइल। ओके, इलेवन नंबर पर वी हैव ऑटोबायोग्राफी माय कंट्री माय लाइफ और ये लिखी है LK आडवाणी ने, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और लास्ट में वी हैव इंडिया विंस फ्रीडम, ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है मौलाना आज़ाद ने। और यहाँ पर हमें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ऑटोबायोग्राफी का, तो चलिए पढ़ते हैं इसे। एन ऑटोबायोग्राफी इज द लाइफ स्टोरी, ये एक लाइफ स्टोरी होती है रिटन बाय अ पर्सन हिमसेल्फ, जो एक इंसान द्वारा खुद की ही लिखी हुई होती है, उसी की लाइफ स्टोरी होती है ऑटोबायोग्राफी। मैनी फेमस पीपल, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, स्पोर्ट्समैन एटसेट्रा हैव रिटन बुक्स अबाउट देमसेल्व्स, बहुत से प्रसिद्ध लोग या साइंटिस्ट हों, इकोनॉमिस्ट हों मतलब अर्थशास्त्री हों, या फिर स्पोर्ट्समैन हो, गेम्स खेलते हों कोई भी, या फिर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, कोई भी, वो बहुत सारी बुक्स अपने बारे में लिख चुके हैं। तो अब आपको पता है बच्चों ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, आपने इनके नेम्स विद देयर ऑटोबायोग्राफी लर्न करने हैं और ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।